हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। लेकिन मैं इसमें ब्रेड को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करूंगी, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा। और मैं इसकी रबड़ी भी बनाऊंगी बची हुई मिठाई से। अगर आप ज़्यादा फ्राइड नहीं खाते तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध ले रही हूँ मैं, और इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच इलायची पाउडर। और ये मेरी बची हुई मिठाई है, इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे से और इसको दूध में मिक्स कर दूँगी। दूध में 2-3 बॉयल आने के बाद भी दूध ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ 1 कप ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसको ठंडा करके हम फ्रिज में रख देंगे। अब मैं ब्रेड को ट्राइंगल शेप में काट रही हूँ, और इन ब्रेड पीसेस को हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। इनको हम एक पैन में बहुत थोड़ा सा तेल डालकर रोस्ट करेंगे। आप यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड पीसेस को हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। जब एक साइड क्रिस्पी हो जाएगी तो हम दूसरी साइड पर थोड़ा सा तेल या घी लगाएंगे और दूसरी साइड को भी क्रिस्पी करेंगे। आप मेरी ये रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अब दूसरी साइड से भी ब्रेड को हम क्रिस्पी करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इसको हमने डीप फ्राई नहीं किया। टेस्ट भी इसका वैसा ही होगा। अब एक डिश प्लेट में हम ब्रेड्स को लगाएंगे और ऊपर से ठंडी ठंडी रबड़ी डालेंगे। आप ये रेसिपी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। शाही टुकड़ा को और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी भी डाल दी है। ऐसी ही बढ़िया सी और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।